अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। अंधियारा कितना हो घना, विजयी सदा प्रकाश है। कैंसर को भगाना है संकल्प, और जागरूकता हथियार है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहो, जागो खुद भी सबको जगा। कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ, कैंसर भगाओ। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com, या हमें एसएमएस भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10 धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 0114610513। नमस्कार, कैंसर भगाओ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी, जो कि वर्ल्ड फेमस ऑन्कोसर्जन हैं। और कल हम लोग बातचीत कर रहे थे मुंह के कैंसर के विभिन्न स्टेजेस में विभिन्न ट्रीटमेंट्स के बारे में, जो हमारी चर्चा अधूरी भी रह गई थी। तो डॉक्टर साहब, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हमें ये बताइए कि कैंसर के अलग अलग स्टेजेस में क्या अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं? जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, बीमारी जितनी छोटी उतना आसान उसका इलाज। की ये है कि आप जितना जल्दी हो सके बीमारी के बारे में, एक बार डायग्नोसिस पे पहुंचे तो ट्रीटमेंट पे चले जाएं, टाइम को वेस्ट ना करें जी। और जो आपने कहे स्टेजेस, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि हम ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना छोटा स्टेज, छोटा स्टेज मतलब T1 2 सेंटीमीटर की बीमारी, इसको आप सर्जरी द्वारा इसको निकाल के फेंक सकते हो, या रेडिएशन उस एरिया में देके, दोनों से देखा गया है कि लगभग रिजल्ट सेम होता है, या तो रेडिएशन या तो सर्जरी, स्टेज 1 या T1 डिजीज में। T2 डिजीज जिसमें बीमारी थोड़ी बड़ी हुई है, या स्टेज 2 डिजीज जहां पे बीमारी थोड़ी सी लोकली एडवांस्ड है, मतलब ट्यूमर का साइज 5 सेंटीमीटर का है और छोटा सा नोड आया है या नहीं आया है, क्योंकि हमने देखा समझा जो कैंसर होता है वो पहले तो एक जगह पे आता है, फिर वो अपनी क्षमता से वो दूसरी जगहों पे फैलता है। कैसे? ये अपने सेल्स ब्लड में डालेगा और वहां ब्लड के थ्रू फैलेगा, या जो लिम्फैटिक्स होते हैं बॉडी के, जो बॉडी के लिम्फैटिक्स को ले जाते हैं उनमें सेल्स को डालता है और लिम्फ नोड्स में गांठें बनती हैं। जब ये सेल्स डाल के लिम्फ नोड्स या गांठ आ जाते हैं तो वो लोकली एडवांस हो गया, अपनी जगह से दूसरी जगह चलेगा। स्टेज 2 में जहां पे अभी नोड्स नहीं आए हैं उसमें भी सर्जरी या रेडियोथेरेपी। अगर रेडिएशन के बाद स्टेज 1 और 2 में बीमारी वापस आ जाती है तो फिर से आप उसको सर्जरी करते हो और बीमारी को खत्म करते हो, क्योंकि रेडिएशन में आप उस बीमारी को, उस हिस्से को एक अलग टेक्निक से, उस हिस्से को शरीर में रख के उसको टारगेट या बर्न किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। कई बार अगर वो डिस्ट्रॉय होने के बाद फिर से वापस आ जाता है तो आपके पास जो ऑप्शन बनता है स्टेज 1 और 2 में वो बनता है सर्जरी का।
जैसे स्टेज एडवांस हो गया, लोकली एडवांस या स्टेज थ्री डिजीज आई है, इसमें भी पहला जो रोल बनता है वो बनता है सर्जरी का। इसमें आप कमांडो सर्जरी करते हो और सर्जरी करके जहां पे ये बीमारी है मुंह के अंदर उसको आप निकाल सकते हो और जो गले में जो गांठ है उस हिस्से को आप निकाल देते हो, गांठों को निकाल देते हो। कई बार स्टेज टू में भी आप गले के गांठ निकालते हो, क्यों? क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो बीमारी गांठों को नेक में फैलती है, इसलिए आप नेक डिसेक्शन करते हो और गांठ को वहां से निकालते हो। कई बार बीमारी बहुत ज्यादा होती है, लगता है कि हमें मार्जिन नहीं निकल पाएगा, कि पूरी तरह से मैं जो बीमारी शरीर में है लगता है कि वो निकल नहीं जाएगी, थोड़ी सी शरीर में रह सकती है वापस, मतलब पूरी तरह से बीमारी निकल नहीं सकती है, तब हम पहले उसको कीमोथेरेपी देते हैं और बीमारी को छोटा करते हैं। और जब बीमारी छोटी हो जाती है तो उसको हम ऑपरेट करके, कमांडो ऑपरेशन करके इसको निकाल के फेंक देते हैं। जब स्टेज फोर हो, जब बीमारी लंग्स में, लिवर्स में, किडनी में, बोन्स में, ब्रेन में या कई दूसरे हिस्से में चले जाती है बीमारी, तो जाहिर सी बात है अगर आप ऑपरेशन करोगे या रेडिएशन करोगे तो शरीर की बीमारी दूसरे हिस्से की तो रह गई है, फिर उसको कैसे करोगे आप? तो इसलिए इस पेशेंट्स में, स्टेज फोर डिजीज में सर्जरी नहीं की जाती है। स्टेज फोर में जो भी सर्जरी की जाती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि मानो कि ब्लीडिंग हो रही है, अब ब्लीडिंग को रोक नहीं पा रहे हो तो खून के नस को बांधा जाता है, मानो कि कहीं से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो थोड़ी सी रेडिएशन दी जाती है ताकि ब्लीडिंग वैस्कुलैरिटी उसकी कम हो जाए। या फिर मुंह से खाना पिया नहीं जा रहा है या सांस नहीं लिया जा रहा है तो एक सांस के लिए एक छेद डाला जाता है जिसको हम ट्रैकियोस्टोमी कहते हैं। ये पैलिएटिव है, बीमारी को खत्म किया नहीं जा रहा है, खत्म हो नहीं सकती स्टेज फोर में, बट जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है, सांस का रास्ता खोला जा सकता है, ब्लीडिंग को रोका जा सकता है, खाने पीने का कोई इंतजाम किया जा सकता है। यानी स्टेज फोर के मरीज को भी मरने के लिए ना छोड़ा जाए बल्कि उसकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, जितनी जिंदगी ऊपर वाले ने रखी है उसको बढ़ाया जाए। जैसे कि खाना पीना नहीं खाया जा रहा, नाके पे तो एक फीडिंग जिजनोस्टोमी डाली जाती है जिससे खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। और स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर में बचने के चांसेस जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया थोड़ा सा कम होता है। और हर मरीज जिसका इलाज होता है, जैसे कि सर्जरी हो रही है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? सर्जरी में क्योंकि आपके मुंह का कोई हिस्सा निकाल दिया गया है तो जाहिर सी बात है वहां पे टाके पड़े हैं, और मुंह से आप खाओगे तो जाहिर सी बात है वो खाना वहां पे जाएगा, इन्फेक्शन करेगा, टाके खुल सकते हैं। उस जगह को रेस्ट देने के लिए नाक से पाइप डाला जाता है जिसको हम राइल्स ट्यूब डालते हैं या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं। इस पाइप का काम क्या होता है? इस पाइप का काम ये होता है कि जो हम खाना खाते हैं, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ तो जो राइस खा रहा हूँ तो उसकी गंजी, मैं दाल खा रहा हूँ तो दाल का रस, अगर मैं मान के चलिए कि कोई वेजिटेबल्स खा रहा हूँ तो उसका सूप, दूध, दही, लस्सी, कोई भी जो चीज़ हम खाते हैं जो चबाने के बाद जो रस बनता है उसी तरह ग्राइंडर से उसका रस बना के वो पाइप के थ्रू दिया जाता है। इससे क्या होगा? ताकत बनी रहेगी, मरीज को सलाइन नहीं लगाना पड़ेगा, जल्दी रिकवर कर जाएगा, और जैसे अंदर के टाके वाके हील हो जाते हैं नाक का पाइप निकाल दिया जाता है। और जाहिर सी बात है जब आपके मुंह में सर्जरी हुई तो डेफिनेटली मुंह का क्या काम है? एक तो बोलना है, खाना है ना, स्वाद लेना है, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आती है, वक्त के साथ साथ ये ठीक हो जाता है। और आपके ग्राइंडर में यानी दाढ़ में अगर बीमारी थी तो जाहिर सी बात है ग्राइंडर निकल गया है तो आपको नरम चीजें खानी पड़ेंगी। इस तरह से सर्जरी के ये होते हैं। और रेडिएशन स्टेज वन और टू में दिया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं?
रेडिएशन में शरीर के उस हिस्से को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो उसमें होता क्या है? तो जाहिर सी बात है, जब मुंह में कहीं पे कोई चीज़ जल रही है तो वहाँ पे तो दर्द होगा, छाले पड़ेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा साबुन से धो नहीं पाओगे, जाहिर सी बात है इन्फेक्शन होगा। और धीरे धीरे जैसे 6 हफ्ते की आपकी सिकाई है ख़त्म हो जाती है तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपको रेडिएशन किया गया था। कीमोथेरेपी से क्या होता है? जैसे कीमोथेरेपी में हम लोग नॉर्मली कॉन्करेंट में सिसप्लैटिन देते हैं। अगर बीमारी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे इसको छोटा करना है, तो हम टैक्सेंस देते हैं, जैसे डॉसीटैक्सल है, पैक्लिटैक्सल है, और 5-फ्लोरोयूरासिल देते हैं, कैप्सिटबिन देते हैं। इन दवाइयों के जाहिर सी बात है इनका काम है अंदर कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, तो जब ये जाएंगे तो जाहिर सी बात है नॉर्मल सेल्स को कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं। और इससे क्या होगा, आदमी को वॉमिटिंग, लूज मोशंस, अल्सर्स, फीवर, न्यूट्रोपीनिया, आपके काउंट्स, बॉडी की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, प्लेटलेट्स आपके कम होते हैं, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। आज की डेट में जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं सर्जरी के हो, क्योंकि देखो टेक्निक बदली है ना, आजकल डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ना, तो उसके अलावा जो है मशीनरी जो आई है रेडिएशन के लिए, जैसे ट्रू बीम है, एक बहुत अच्छी मशीन है, बहुत ही यूनिक मशीन है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना कम हो जाते हैं। यूजुअली रेडिएशन के टेक्निक्स अलग अलग होते हैं, तो आपको ये पहले पता करना ज़रूरी है कि भाई अगर ये बत्रा हॉस्पिटल है तो इसमें कौन सी मशीन है, लीनियक है, ट्रू बीम है, जैसे कि ट्रू बीम है तो ये बेस्ट मशीन है, लीनियक है ये बढ़िया मशीन है, लेकिन अगर वही कोबाल्ट है, पुराने ज़माने की मशीन है, तो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होता क्या है, मानिए कि ये लिजन है, ये बीमारी है, अगर आप कोबाल्ट से करते हो तो ये पूरा चेहरे पे रेडिएशन का इफेक्ट आएगा, आप लीनियक कर रहे हो तो सिर्फ इतने हिस्से में और साथ का 1-2 सेंटीमीटर में इफेक्ट आएगा। अगर आप IGRT या ट्रू बीम कर रहे हैं, अगर बीमारी ऐसी है तो बिल्कुल इतने ही जगह में जैसे उसका शेप है उतना ही रेडिएशन लगेगा, तो जाहिर सी बात है साइड इफेक्ट तो कम होगा ही होगा, और इफेक्ट क्योंकि टारगेटेड है बहुत अच्छा आएगा। तो जब भी आप रेडिएशन के लिए जाएं, पहले देखें कि आपका डॉक्टर कौन है, कहाँ पे रेडिएशन लग रहा है, मशीनरी कैसी है, और कितना बढ़िया उसमें ये हो सकता है। हाँ, पैसों की प्रॉब्लम बहुत है, देखिए छोड़ना नहीं, इलाज तो होना है, कम से कम कोबाल्ट तो लगना ही लगना है ताकि ज़िंदगी बची रहे। अगर फैसिलिटीज़ है आपके वहाँ पे, अवेलेबिलिटी है, तो फिर जो बेस्ट टेक्निक है उसके हिसाब से आपको करवाना है। कीमोथेरेपी, आजकल कीमोथेरेपी के इतने अच्छे मेडिसिन आए जिससे कि है ना वॉमिटिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। आपको वॉमिटिंग हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को एक कॉल कीजिए या पास के डॉक्टर के पास गए, भाई बीमारी के बारे में मत देखो, जो मुझे सिम्टम्स आ रहे उसी का इलाज करो। वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की दवाई दें, अगर लूज मोशंस हो रहे हैं तो उसकी दवाई दें, फीवर आ रहा तो उसकी दवाई दें, जो भी आपकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है उसके लिए आप दवाई लें। तो इस तरह से ओरल कैंसर का इलाज होता है और इस तरह से ओरल कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, और जितना जल्दी आप जाएंगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, उतनी अच्छी रिकवरी होगी, उतने पैसे कम खर्च होंगे, उतने कम दिनों में आप ठीक होके अपने काम पे जाएंगे। तो इस तरह से हमें जो इलाज है उसके बारे में डरना नहीं है, बल्कि इलाज करना है और अपने आप को बचाना है। डॉक्टर, जैसे अभी भी आप बता रहे थे कि विभिन्न स्टेजेस में विभिन्न तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं, सर्जरी जो होती है वो अर्ली स्टेजेस में एडवाइजेबल है, और किसी केस में कीमोथेरेपी, किसी में रेडिएशन थेरेपी, तो क्या इन 2-3 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स में फ़र्क होता है ज़्यादा कि बहुत मतलब सिमिलर ही होती है? देखिए, जो सर्जरी होती है वो लोकल है, आप ऑपरेशन करके सिर्फ यहाँ का हिस्सा निकाल सकते हो, पेट में किडनी का, या तो फिर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। रेडिएशन क्या करते हो, क्योंकि आपको मैंने डायग्राम से बताया कि ये उसी जगह पे, तो बीमारी यहाँ और यहाँ है तो ये नहीं होगा। तो जो लोकल अर्ली स्टेज होता है, बीमारी लोकल है तो लोकलाइज ट्रीटमेंट सर्जरी और रेडिएशन काम आता है। जब बीमारी बढ़ चुकी है तो बचने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो तब क्या करते हैं, हम कीमोथेरेपी देते हैं जो पूरे शरीर में बीमारी को एक्ट करती है। तो एक है आप काट के फेंक रहे हो बीमारी को, दूसरा क्या वही रख के उसको हम
कमजोर बना रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, या तो फिर हम दवाई देके पूरे शरीर की जो कैंसर सेल्स हैं उनको हम धो दे रहे हैं। हाँ, जितना अगर कोई आपको ऑपरेशन कह रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, ना कि ये सोचे कि भाई आप तो ये, क्योंकि उसको उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है जो डॉक्टर है आपको कि वो निकाल के बीमारी को फेंक देगा। इस तरह से हमें इलाज करना है। डॉक्टर, हमें एक क्वेरी और भी आई थी, इनफैक्ट एक ईमेल आया है उत्तराखंड से, नीरज कुमार जी लिख रहे हैं और उन्होंने ये हमसे पूछा है कि ये 2 साल से तंबाकू का सेवन रेगुलरली कर रहे हैं, तो अब सोच रहे हैं इसको क्विट करने के लिए, क्योंकि एक आदत की बात होती है, तो उस आदत को ये छोड़ पाएंगे या नहीं, ये इन्होंने जानना चाहा है। ऐसे सवाल तो अक्सर पूछे जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैंने तंबाकू खा रहा हूँ या ले रहा हूँ कि भाई मुझे कैंसर हुआ या है या होगा। फिर देखिए, आप अपने ही सवाल में कह रहे हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, आप क्यों खा रहे हो जब आप जान रहे हो, आप खुद बोल रहे हो आपको लग रहा है कि मैंने तंबाकू इतना खाया है कि मुझे कैंसर हो सकता है या हो गया है या होने वाला है। सबसे पहली बात देखिए, सिर्फ तंबाकू खाने से जो है कैंसर तो होता है, अगर कैंसर अगर हो गया होता तो अभी तक आपके कई लक्षण होते, जैसे कि हमने डिस्कस किए, छाला होना, गांठ का बनना, ये करना, क्योंकि आपको ये सारे लक्षण हैं नहीं, सिर्फ आपको शक है। हाँ, ये चीज़ है कि क्योंकि या तो आपको अर्ली स्टेज का हो सकता है या तो नहीं होगा, आपको चाहिए कि आप अपना चेहरा खुद मिरर के सामने खड़े और अंदर देखें, कहीं पे भी वाइट रेड पैच लगा, कहीं पे भी लगा कि कोई दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर को जाके दिखाएं, या जाके दिखाई दीजिए आप एक अपने पास के डॉक्टर के, भाई मेरा मुंह का एग्जामिनेशन कर दें, ओरल एग्जामिनेशन कर दें, वो देखेंगे और तुरंत बताएंगे, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपको कैंसर नहीं है। और आप कैसे छोड़ें, टबैको को कैसे छोड़ा जाए, देखिए आदत तो देखिए दोस्तों के साथ रहते हुए या हमारी सोसाइटी में रहते हुए तो पड़ जाती है, पढ़ना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। आप अगर ये सवाल कर रहे हैं तो आपके दिल में एक ये है कि भाई हाँ मैं तंबाकू को छोड़ना चाहता हूँ, तभी तो आपने ये सवाल किया है। इसका मतलब आप विलिंग हैं, तो विलिंग हैं और आप कंसेंट दे रहे हैं, तो आप बिस्मिल्लाह बोलिए, है ना, आप शुरू कर दीजिए। यू प्लीज स्टार्ट अप हैविंग फेथ इन गॉड, ईश्वर की कृपा से ये आदत आपकी छूट जाएगी। आपको चाहिए कि आप छोड़ दें। पहले अगर लग रहा है कि आपको पॉसिबल नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं नहीं छोड़ सकता हूं, आपको लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, इसको पहले कम कीजिए, आप इसको आधा कीजिए। आप कम करोगे, आधा करोगे, धीरे धीरे करके आप इसको छोड़ दीजिए। आपने आज छोड़ा, 2 दिन के बाद आपको इतनी तड़प गए कि आपने फिर से शुरू कर दिया, घबराएगा मत, दोबारा छोड़ दीजिए, इस बार 2 दिन के लिए, अगली बार 3 दिन के लिए, जब तक कि आप पूरी तरह से छोड़ ना दो, आप इसके ऊपर कामयाबी ना लो। आपके वो दोस्त जो आपके साथ ये करते हैं, उनको आप बोलिएगा कि मैंने छोड़ दिया है, ताकि वो आपको ऑफर ना करें। आप जहां से तंबाकू खरीदते हैं, जहां पे ऑफिस के टाइम पे बाहर जाके जिस जगह पे आप स्मोक करते हैं या ईट करते हैं, चू करते हैं, उन सारे चीजों को आप अवॉइड कीजिए। एक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए, या जो थोड़े बहुत, जब भी आपको बहुत ज्यादा मन करता है कि भाई नहीं मुझे करना ही करना है, तो आपके मन बहुत भी करता होगा स्पोर्ट्स खेलना, परिवार वालों से जो भी काम आपको अच्छा लगता है वहां पे, या टीवी देखना, आप अपने आप को उस जगह पे डाइवर्ट कीजिए और सोचे कि कैंसर से, तंबाकू से होता क्या है, मुझे लंग की डिजीज हो सकती है, COPD हो सकती है, मैं खांस खांस के मर सकता हूँ, मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, मेरा हार्ट बंद हो सकता है, मैं हार्ट अटैक से मर सकता हूँ, मुझे इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है, मुझे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, मुझे कैंसर हो सकता है, ये सारे फायदे आप गिनिए। मेरे मुंह में गंदी स्मेल आती है, बच्चे दूर गए, मेरे बच्चे सीख सकते हैं, मेरे परिवार वाले सीख सकते हैं ये आदत मुझे देख के, तो उनके लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने अच्छी हेल्थी लाइफ के लिए, आपको जीने के लिए आपको इसको छोड़ना है, आपको एक आत्मविश्वास से आपको आगे बढ़ना है। तो आपको
छोड़ना ही छोड़ना, ये विल पावर पे होता है और मुझे लगता है कि आप कर सकते हो, इसलिए आप इस चीज को करें, पूरी इससे करें, छोड़ें। अगर कई बार ब्रेक हो जाए तो फिर से छोड़ें, जब तक कि आप पूरी तरह से इसको छोड़ना दें और एक प्रोफेशनल की आप हेल्प भी ले सकते हैं। और आजकल आप देखते हैं कि कुछ च्युइंगम्स आते हैं, कुछ लॉजेंजेस आते हैं, इस तरह की चीज़ें आप वो मुंह में रख सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट डॉक्टर साहब। अभी भी आपने नाम लिया कमांडो सर्जरी का और नेक डिसेक्शन का, तो मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शक ये टेक्निकल टर्म्स की नॉलेज शायद नहीं रख पाए, आप ज़रा खोल के बताइए कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, आपने कमांडो ऑपरेशन सुना होगा, सर्जिकल स्ट्राइक तो सुना होगा जो पाकिस्तान पे की गई थी जी। ये कमांडो ऑपरेशन भी ऐसे ही होता है, कैंसर के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक है ये, जैसे डिमोनेटाइजेशन काले धन पे, उसी तरह से ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये कैंसर पे है। इसमें होता क्या है, रात में आप बीमारी के साथ हो, हॉस्पिटल पहुंच जाते हो और जहां पे आपकी बीमारी है, मान लो जबड़े और हड्डी में है, वो सारा जबड़ा, वो हड्डी, जहां जहां वो बीमारी है उसके 1 सेंटीमीटर का आगे का हिस्सा साफ किया जाता है। उसके साथ जो उसकी जड़ें जो नेक में जाती हैं, हड्डी के साथ, ऊपर के स्किन के साथ, अंदर के पूरा, अगर ये हिस्सा है जबड़ा वैसे, इसको बिल्कुल ऐसे निकाल के ऐसे रखा जाता है। और उसके बाद गले के सारे गांठें निकाल दी जाती हैं, फिर वापस उसको बिल्कुल सफाई से बनाया जाता है कि देख के लगेगा भी नहीं कि भाई ये हो चुका है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में आदमी चकमा खा जाता है, वैसे ही इसमें बिल्कुल पूरी तरह से निकाला जाता है, फिर वापस इसको बनाया जाता है। तो कमांडो ऑपरेशन क्या है, कंपोजिट रिसेक्शन ऑफ द मैंडिबल बकल म्यूकोजा विथ स्किन सेक्शन। ये सारे चीजें इसको एक साथ निकाल के बाहर रख के वापस इन चीजों को बनाया जाता है। इसको ये ऑपरेशन ओरल कैंसर में किया जाता है, इसको कमांडो ऑपरेशन कहते हैं। और डॉक्टर साहब, आपने नेक डिसेक्शन का नाम भी लिया था, तो नेक डिसेक्शन में क्या होता है जी? कैंसर में, मुंह के कैंसर में बीमारी मुंह में रहती है, फिर वो नेक में चली जाती है जी। और नेक में आप देखिए बहुत अहम चीजें हैं, ब्रेन का बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, साफ ब्लड वो चला जा रहा है, ऊपर से जो गंदा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो नीचे की तरफ चला जा रहा है, और काफ़ी सारे नसें हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं जो कि फेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक डिसेक्शन में क्या होता है कि भाई देखिए, जो कैंसर की जो बीमारी होती है वो नेक में आ जाती है, वो नेक में कहाँ आ जाती है, लिम्फ नोड्स में आती है। लिम्फ नोड्स कितने होते हैं, जैसे मैंने कहा नॉर्मली 200 लिम्फ नोड नेक में होते हैं, वो लिम्फ नोड में अगर इस हिस्से में चिन के नीचे आता है तो लिम्फ नोड 1 कहते हैं, 1A, और ये इससे में आ जाता है तो उसको हम 1B कहते हैं। ये जो मसल है टॉट हो रहा है, और आपने देखा ये मसल के अंदर जो लकीर के जो नीचे आते हैं उसको लेवल 2, लेवल 3 और नीचे वाले से लेवल 4 कहते हैं। और जो मसल के जो पीछे वाला हिस्सा, ये जो ट्रायंगल है, यहाँ पे आता है तो नेक नोड्स स्टेशन 5 कहते हैं, और ये जो ट्रैकिया है इसके आजू बाजू में जो नोड्स आते हैं उसको लेवल 6 कहते हैं। सर्जरी में जैसे मुंह के कैंसर में सिर्फ यहाँ के नोड्स को निकालना होता है, जैसे कि अगर मान के चलो सिर्फ मुंह में कैंसर और गले में आया नहीं है, नोड कोई पॉजिटिव नहीं है, या सेंटिनल नोड बायोप्सी आपकी नेगेटिव है, या एक नोड या थोड़े ही नोड एक नोड पॉजिटिव है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 निकालते हो, जो ओमोहाइड मसल है उसके नीचे कुछ नहीं निकालते हो। कई बार क्या करते हो, नोड्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब नोड्स आ चुके हैं, तो आप क्या करते हो, सारे लेवल्स 1, 2, 3, 4, 5 निकालते हैं। जब सारे नोड्स निकालते हैं उसको नेक डिसेक्शन कहते हैं। अगर सिर्फ ये निकालते हो तो आप क्या कहते हो, सुप्रा ओमोहाइड नेक डिसेक्शन कहते हैं। नेक डिसेक्शन में भी टाइप 1, 2, 3 होते हैं। टाइप 1, 2, 3 क्या है, अगर आपके वेन को बचाया जा रहा है, IJV को, क्योंकि सारे नोड्स वेन को गले लग के होते हैं, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ नोड नोड निकाल रहे हो और वेन को बचा रहे हो। या जो एक स्पाइनल एसेसरी नर्व होती है जिसका काम आपका शोल्डर या हाथ काम करता है, जिसको स्पाइनल एसेसरी नर्व करते हैं, इसको बचाया जाता है, वेन को बचाया जाता है, और जो मसल आपको जो दिखा रहा था मैं, उसको बचाया जाता है। ये तीनों बच जाती हैं तो वो हो गया MND3,
मतलब आपने वेन को भी बचाया, नर्व को भी बचाया, मसल को बचाया। सिर्फ एमएनडी 2 है तो सिर्फ आपने नस को बचाया और वेन को बचाया, और एमएनडी 1 है तो इसका मतलब आपने सिर्फ नस को बचाया है, वेन और मसल को निकाला है। ये एमएनडी 1, 2, 3 जब भी किसी का कमांडो ऑपरेशन होता है तो नोट्स मिलेगा एमएनडी 1, 2। अक्सर पुराने जो सर्जन से या जब लगता है कि बीमारी बहुत ज्यादा तो आरएनडी करते हैं, मतलब ये तीनों को निकाल दिया जाता है, मसल को भी, वेन को भी, नर्व को भी। जब तीनों निकलते हैं तो रेडिकल नेक डिसेक्शन, जब सिर्फ एक निकलता है जैसे कि मसल निकल गया आईजेवी और एमएनडी 2 हो गया, सिर्फ दो चीजों का मतलब एक ही चीज को आपने निकाला, तो इस तरह से आप मॉडिफिकेशन करते हो, तीनों बच जाते हैं, नस, वेन, आर्टरी, नस, वेन और मसल, तो एमएनडी 3 हुआ। दो बचाते हो वेन और नर्व को, एमएनडी 2 हुआ। सिर्फ नस को बचाते हो तो एमएनडी 1 हुआ। मतलब ये किस लिए, फंक्शन के लिए, हाथ पैर काम करने के लिए, आपके बेड रेस्ट के लिए, तो इस तरह से किया जाता है, लेकिन बीमारी को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। अगर नोट ज्यादा नहीं है तो आप एमएनडी 3 कर सकते हैं, नोट ज्यादा है तो आप आरएनडी कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी ही बचाव है, और खास तौर से जब कैंसर की बात हो तो जानकारी हम जितनी ज्यादा फैला सकें, अपने दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से, अपनी वर्क प्लेस में जितनी ज्यादा हम जानकारी बांटेंगे, हमें उम्मीद है हम उतने ही ज्यादा स्तर पर कैंसर को भगा पाएंगे अपने देश से। तो इसी नोट पर आपसे लेते हैं विदा, कल फिर भेंट होगी इसी वक्त पर। नमस्कार। कैंसर से जुड़े किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 9971977888। अपनी समस्याओं को आप हमें ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है cancerbhagao@gmail.com, या हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 9289855855। और अधिक जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है समिता मिश्रा मेमोरियल फाउंडेशन फॉर कैंसर रिसर्च, B2B/10 धर्म मार्ग, जनकपुरी, न्यू दिल्ली 110058। टेलीफोन नंबर 011 4610 5143।